ओके, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स इन विंग्स। टुडे वी आर डूइंग द सर्कल पार्ट टू। इफ द लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो टच इज द सर्कल, देन कौन सी इक्वेशन इसमें बनेंगे। देखिए, इसमें है कि लाइन जो है टच करती है सर्कल को इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल आएगी। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालना है सेंटर से। सो ये तो आएगा माइनस वन, यहाँ ज़ीरो भरेंगे, यहाँ ज़ीरो, ये माइनस वन अपॉन ए का स्क्वेयर और वन अपॉन बी होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर है तो स्क्वेयर ही आ जाएगा, होल का मॉडुलस इज इक्वल टू आर के इक्वल। सो ये हमारे पास बनेगा वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर। सो इसको रेसिप्रोकल में करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वन अपॉन ए स्केयर प्लस वन अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू वन बाई आर, और अगर हम इसका स्केयरिंग कर देंगे तो वन अपॉन ए स्केयर प्लस वन अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू वन बाई आर स्केयर के इक्वल आएगा। सो ये हमारे पास ऑप्शन बनेगी सी कि लाइन जो है टच करती है सर्कल को, तब हमारे पास ये बनेगा वन अपॉन ए स्केयर प्लस वन अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्केयर के इक्वल आएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखते हैं वैल्यू ऑफ के निकालनी है सच दैट ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है पॉइंट सर्कल को। भाई सबसे पहला स्टेप टू के साथ डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो। एफ क्या है हमारे पास, एफ और जी निकाल लेते हैं। ठीक है जी, माइनस एफ माइनस जी निकले, माइनस वन बाई टू कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू कोफिशियंट ऑफ वाई दैट इज थ्री बाई टू। एफ और जी की जो वैल्यू होगी वो थ्री बाई टू और ये क्या होगी माइनस टू। ठीक है जी, पॉइंट सर्कल के लिए हमारे पास क्या है, जो रेडियस है वो जीरो के इक्वल यानी कि अंडर रूट एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। एफ स्केयर क्या है, नाइन बाई फोर प्लस फोर, और क्योंकि इसे टू के साथ डिवाइड करना था तो यहाँ पे के बाई टू आना है, टू के साथ सारे को डिवाइड किया थ्री फोर और के बाई टू आ जाना है, माइनस के बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। स्क्वेयर कर देंगे इसका और हमारा आंसर आ जाएगा ये नाइन बाई फोर प्लस फोर इज इक्वल टू के बाई टू, सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव बाई फोर इज इक्वल टू के बाई टू, टू इधर चला गया सो ट्वेंटी फाइव बाई टू आ जाएगा हमारा आंसर। के की वैल्यू, के की वैल्यू हमारे पास सी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर से एक बार देख लें, वैल्यू ऑफ के निकालनी है कि ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करती है पॉइंट सर्कल को। पॉइंट सर्कल में क्या होता है कि रेडियस जो है वो हमारे पास जीरो के इक्वल आता है यानी कि एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी। एफ कैसे निकालते हैं, माइनस वन बाई टू कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू कोफिशियंट ऑफ वाई। और सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करना है, इसे सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए ये जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर है और वाई स्केयर के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड करना है। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा एफ और जी निकालना है, वैल्यू डाली और हमारा आंसर आ जाएगा के की वैल्यू। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, द सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व इज इक्वल कट्स इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू, वाई एक्सिस पे हमारा ये कट करता है इंटरसेप्ट, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू। अब हमें एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आता है, ट्वाइस ऑफ ये फार्मूला था ट्वाइस ऑफ जी स्केयर माइनस सी, ट्वाइस ऑफ जी स्केयर माइनस सी के इक्वल एक्स की वैल्यू, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू। सो ट्वाइस जी क्या है हमारे पास, जी आएगा हमारे पास माइनस सेवन बाई टू होल स्केयर, माइनस ई कितने ट्वेल्व, सो ट्वाइस ऑफ फोर्टी नाइन बाई फोर माइनस ट्वेल्व, सो ये ट्वाइस ऑफ अंडर रूट है फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी एट बाई फोर, सो वन बाई टू आ जाएगा, टू इंटू वन बाई टू दैट इज वन, वन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट ऑप्शन। द सर्कल कट्स इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, जब कट करता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस तब हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, और जब कट करेगा एक्स इंटरसेप्ट तो हमने वाई का इंटरसेप्ट निकाला है, टू एफ स्केयर। उस वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, टू एफ स्केयर माइनस ई, ये डायरेक्ट हमारे पास मेथड है। ठीक है,
ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड, जिसे हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, कि फॉर्मूला याद है आपको तो आपने ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लिया। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि अगर ये मीट करता है वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ मीट करता है तो पुट कर देना हमने एक्स की जगह पे ज़ीरो। सो एक्स ज़ीरो भर देंगे तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व इजिकल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है जी, वाई स्क्वायर, सो फोर थ्री या ट्वेल्व, वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई। थोड़ी सी वॉइस डिस्टर्बेंस हो गई थी। सो यहाँ पे वाई स्केयर माइनस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो, वाई स्केयर माइनस फोर वाई माइनस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व। सो यहाँ पे दो फैक्टर बनाने, फोर और थ्री आएगा और इनका इंटरसेप्ट का डिफरेंस, वाई वाई वाले का डिफरेंस आएगा हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। ठीक है जी। सो ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको किस वे से करना है। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला। फार्मूला वी हैव रिटन इन द क्लिप नंबर वन। क्लिप नंबर वन में हमने सारे के सारे फार्मूलाज लिखे थे। नेक्स्ट अभी करते हैं क्वेश्चन। अभी हमने देखना है एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट वन टू एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट फोर सिक्स इज। सो सबसे पहले एरिया ऑफ द सर्कल, हमारे पास हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी, एरिया तो हमें रेडियस चाहिए। रेडियस निकालने के लिए सेंटर हमें दे रखा है 1.2 और पासिंग पॉइंट 4.6। सो हम आर निकाल लेते हैं, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 4 जा 16, 16 9 25, 25 और 5 आ गया और एरिया 25 पाई। हमारे पास क्या है? सी ऑप्शन है, एरिया ऑफ द सर्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट पॉइंट 1.2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4.6 इज। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कम्स इन द एग्जाम। इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इजिकल टू जीरो हूज मिड पॉइंट इज। सो इक्वेशन ऑफ द कोड निकालनी है सर्कल की जिसका हमें मिड पॉइंट गिवन है। सो इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल, सो इस केस में हमारे पास देखिए सेंटर हमारे पास क्या आएगा, एक फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा था। सेंटर हमारे पास आएगा 2.0, ठीक है, माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेंटर आ गया। अभी हमने स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द कोड, परपेंडिकुलर टू द कोड, क्योंकि हमें मिड पॉइंट क्या दे रखा है, 1.0 दे रखा है। सो 0 माइनस 0 और 2 माइनस 1, वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स, ये ज़ीरो ही आएगा स्लोप ऑफ लाइन। दैट इज़ हमारे पास क्या आएगी कि लाइन जो है दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोड इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इजिकल टू 1 आ जाएगा इस केस में। ठीक है जी, x के आ जाएगा 1 क्यों आएगा, क्योंकि हमें पॉइंट जो है वो 1 के इक्वल दे रखा है, x इज इक्वल टू 1, मिड पॉइंट हमें क्या दे रखा है 1 के इक्वल, इसलिए ये 1 के इक्वल आएगा, 2 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कईयों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। सो इसी तरह के क्वेश्चन हम करते हैं।